हेलो गाइस, तो चलिए बेसिक मैथ पार्ट टू तक चले थे। अब चलिए ये पार्ट थ्री। तो लास्ट आपको बताए थे हम टेन और सेम एंड टेन रूल। तो ये है, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सेम एस हंड्रेड रूल। तो सेम एस हंड्रेड रूल चलेंगे। इसमें क्या होता है कि से 104 इंटू 196 का मल्टीप्लाई करना हो या 192 इंटू 108, इस तरह का जो भी, यानी कि ये लास्ट में देखिए आपका 100 बन रहा है और ये क्या है, सेम है। ये आपका 100 और ये आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ भी देखिए आपका 100 और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो 10 रूल में क्या करते थे कि दो ठो स्पेस छोड़ते थे, और इसमें क्या 100 रूल में चार ठो स्पेस छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है कि 4 से 96 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 6 24 के 4 हाथ में 2 9 चौक 36 और 2 38। तो 38 का यहाँ 38 लिख देंगे और यहाँ कुछ नहीं तो अपने से 0 लिख देंगे। और यहाँ 1 से 1 क्या है, सेम है, तो एक में एक जोड़ देते थे तो कितना हो जाएगा, 2। 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 का 2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें सेम चलेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 से 92 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 9 ही 72 और 6 78। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, 0। अब यहाँ देखिए 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरह से आपका सेम एंड हंड्रेड रूल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 11 मल्टीप्लाई। इसमें जैसे कि 11 इंटू 56 मल्टीप्लाई करना हो, या तो 455 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना हो, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 11 इंटू 56, दो दो अंक का है, तो यहाँ 2 अंक का जब भी रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 6 के 6 लिख देंगे और 5 का 5 लिख देंगे। अब इसको सिर्फ जोड़ के लिख देना है, 6 और 5 11, 11 के 1 लिखें, 1 हाथ में बच गया तो 5 के कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब 455 को 11 से करना है तो क्या करेंगे, ये 5 को पहले पहला इकाई अंक 5 का 5 लिखेंगे और 5 से 5 जोड़ेंगे, कितना हो रहा है, 10। तो 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में 1 बच रहा है, और फिर ये 5 से 4 को जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और फिर हाथ में 1, 9 1 10 के 0, हाथ में 1, फिर ये कितना है हो रहा है लास्ट का अंक, 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा मेरा 11 मल्टीप्लाई रूल। अब चलिए अब आपको लेके चलते हैं, जब वन रिपीट करे, जैसे कि आपका 11 का स्क्वायर हो या इतना का स्क्वायर हो या 1 2 3 4 कितना भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होता क्या है कि जब इस तरह वन रिपीट करे, यहाँ करते कुछ नहीं है, सिर्फ 1 और 2 जहाँ ख़त्म होगा, एक ठो 1 ठो 2 ठो 1 2, और फिर ये 2 से घटते क्रम में लिखना है 1। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ कितना ठो है, 4 ठो, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर इससे घटते क्रम में लिख देंगे 3 2 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए इतना का स्क्वायर करना है, 2 2 4 1 5, तो 1 2 3 4 5, फिर इससे घटते क्रम क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तब इस तरह जितना भी वन रिपीट से स्क्वायर करना रहे तो जितना संख्या रहेगा वहाँ तक जाएंगे और उसे फिर घटते क्रम में लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक है मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, कि जैसे कि आपका 38 का स्क्वायर करना हो, तो इसमें मिरर कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 27 का स्क्वायर करना हो, तो यहाँ पे मिरर कॉन्सेप्ट इस तरह है कि ये किसके नियर है, 50 के नियर है, तो 50 से
50 आपको बेस लेके चलना है, यानी कि 38 से ये 50, यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 12 का, यहाँ पे 27 है, तो 27 में 50 का डिफरेंस कितना हो रहा है 23 का, यानी कि 23 और 27 कितना हो जाएगा 50 बन जाएगा, 38 और 12 कितना हो जाएगा 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको 38 का स्क्वायर करना है, तो 50 का डिफरेंस कितना हो रहा है 12, तो सिर्फ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा। अब देखिए मिरर कॉन्सेप्ट में है क्या, देखिए है क्या कि मिरर कॉन्सेप्ट इस तरह है कि 25 के बाद यहाँ क्या है मिरर है, तो जैसे 25 का स्क्वायर करते हैं कितना हो रहा है 625, और 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 होता है। तो इसमें करना क्या है कि 25 का स्क्वायर से एक अंक पहले देखना है, यहाँ कितना है 24 का स्क्वायर 576, और यहाँ 26 का स्क्वायर होता है कितना 676। अब जैसे तो 26 का स्क्वायर करना है तो 25 का एक अंक पहले देखना है और यहाँ पे 100 बेस हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ 26 का स्क्वायर किए तो 25 का एक पहले देखना है कितना है 576, तो 576 में 100 जोड़े तो कितना हो गया 676। अब देखिए अब हमको 27 का स्क्वायर करना है, तो इसमें एक आगे चला तो 25 के दो पीछे चलेंगे तो कितना हो जा रहा है 23, तो 23 का देखिए 529, तो 529 में अब यहाँ 100 जोड़े थे जब 24 का कर रहे थे, तो इसके एक और पीछे गए तब कितना जोड़ेंगे 200 का जोड़ेंगे। तो इसी तरह करके 23 का फिर यहाँ 27 का कितना हो जाएगा 529 प्लस 200 कितना हो जाएगा 729। फिर हम एक पीछे चलते हैं अगर 22 का हमको 28 का स्क्वायर करना है, तो देखिए यहाँ 25 के कितना पीछे चलेंगे 1 2 3, यहाँ फिर कितना में चलेंगे 300, तो यहाँ देखिए 28 का करना है तो यहाँ पे 22 का कितना हो रहा है 484, तो 484 में कितना जोड़ रहे हैं 300, तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है 784 हो जा रहा है। तो इसी तरह अब हमको 38 का स्क्वायर करना है, तो कितना का स्क्वायर करेंगे 12 का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 25 के आगे देखिए 25 के आगे 25 और 13 कितना हो रहा है 38, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 1300, 1300 प्लस 144 कितना हो जाएगा 1444। अब हम मुझे 27 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कितना है 23 है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 27 का हमको करना है, तो यहाँ देखिए 24 से कितना पहले है 200 पहले है, यहाँ कितना जोड़ देंगे 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 729। तो इस तरह करके जितना भी स्क्वायर निकालना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट था, इसे आप याद रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए अब चलते हैं स्पेशल रूल इफ़ 369, अगर सिर्फ 3 रिपीट का स्क्वायर करना हो, 6 रिपीट का स्क्वायर करना हो और 9 रिपीट का स्क्वायर करना हो, जैसे कि 33 का स्क्वायर करना हो या तो आपको 333 का स्क्वायर करना हो, तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 का स्क्वायर करना है, ये 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या कैट हुआ एक ठो का स्क्वायर हमने कर लिया, अब सिर्फ एक ठो बचा, तो यहाँ पे क्या करना है 2 ठो गैप करना है, एक ठो गैप करेंगे और यहाँ खुद से 0 लिखेंगे और एक इसके बगल में गैप करेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ से इसका घटते क्रम लिख देंगे, तो 9 से यहाँ घटते क्रम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये होता है मेरा अपर डिवीजन, तो 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लोअर और यहाँ पर अपर होगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 तक कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 2 संख्या है, तो यहाँ कितना संख्या छोड़ेंगे 2 छोड़ेंगे और खुद से क्या लेंगे 0 लेंगे और फिर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे। अब देखिए 9 से घटते क्रम में लिखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 8 8, और इससे बढ़ते क्रम में 1 1 आ जाएगा।
अब मान लीजिए 1 2 3 इतना का मुझे स्क्वायर करना है, तो फिर ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 1 2 3 तीन ठो है, यहाँ कितना गैप छोड़ेंगे 3 ठो, और फिर यहाँ अपने से 0 लेंगे, कुछ नहीं इसलिए 0 लेना है। 1 2 3 यहाँ से घटते क्रम कितना हो जाएगा 8 8 8, और यहाँ से बढ़ते क्रम 1 1 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए कि अगर आप अब अगर आपको 6 का लेना है तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो रहा है 6 6 36, तो 6 6 36 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक अंक है, तो एक अंक का यहाँ पर गैप देंगे। अब इससे लोअर चलना है तो 6 से लोअर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 का अपर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब मान लीजिए इसका मुझे करना है, तो ये 6 का 6 हो जाएगा, इसका लोअर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 ठो लिए, यहाँ कितना लेंगे 2 ठो, फिर यहाँ 6 6 36, तो यहाँ 3, फिर इसका 2 ठो लेंगे, तो इसका लोअर कितना हो जाएगा 5 5, इसका अपर कितना हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलिए 9 वाला हम चलते हैं, तो देखिए इसमें अब मुझे 99 का करना है, तो 9 9 कितना हो रहा है 81 81 लिख दिए। अब एक संख्या बच रहा है, तो कई ठो गैपिंग करेंगे, एक एक ठो गैपिंग करेंगे। अब 1 से लोअर चलेंगे क्या हो जाएगा 0, और 1 8 से अपर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए हमको इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ देखिए कितना संख्या बच रहा है 2 ठो, तो यहाँ 2 ठो डह देंगे, फिर यहाँ 2 ठो डैश, इससे लोअर चलेंगे कितना हो जाएगा 2 ठो 0, इससे अपर चलेंगे तो 9 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इस तरह से आपका स्पेशल रूल ख़त्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं।